दोस्तों नमस्कार। आज है 24 जुलाई सन 2024 बुधवार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मूंगफली, मूंगफली तेल और मूंगफली खल के बारे में। दोस्तों हमारा आपसे ये वचन है कि हम हर संभव तेल तिलहन पर आपको सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। इसमें मूंगफली है, कैस्टर है, पाम तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, राइस ब्रान तेल सभी शामिल है। आज के इस एपिसोड में हम मूंगफली के ऊपर करेंगे चर्चा। दोस्तों आज हम के हमारे मॉर्निंग शो के अंदर हमने सरसों तेल के ऊपर भी पूरी जानकारियां दी हैं, वो शो भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक और विनम्र अनुरोध, हमने हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि कमोडिटीज के ऊपर संपूर्ण अखबार माना जाता है, देश विदेश में इसकी बड़ी जबरदस्त धूम चल रही है, देश के कोने कोने से इसकी पूछपरख आ रही है और सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप भी हिंदी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होने वाला देश का पहला कमोडिटी अखबार, शुल्क मात्र 3,000 रुपये वार्षिक है यानी सालाना है। इसमें आपको प्रतिदिन विभिन्न कमोडिटीज के ताज़ा मंडियों के भाव भी व्हाट्सएप पर प्रतिदिन अपडेट होंगे। आज ही संपर्क करें। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूंगफली कॉम्प्लेक्स की यानी ग्राउंडनट कॉम्प्लेक्स की ताज़ा भाव। दोस्तों मूंगफली के भाव बीकानेर में 1,390 रुपये प्रति 10 किलोग्राम मूंगफली तेल के भाव बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर 1,520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम, चेन्नई में 1,680 रुपये प्रति 10 केजी, गोंडल गुजरात में 1,550 रुपये प्रति 10 केजी के भाव हैं, हैदराबाद में 1,400 रुपये, जामनगर 1,550 और मुंबई में 1,580 रुपये प्रति 10 केजी के भाव मूंगफली तेल के हैं। राजकोट में 1,550 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के बताए जा रहे हैं। अब हम मूंगफली बीज की बात करते हैं ग्राउंडनट सीड की। बीकानेर में भाव 5,200 से 6,000 रुपये क्वालिटी अनुसार, चलकेरे में 6,650 और मिर्ता में 5,200 से 6,000 के भाव बताए जा रहे हैं। जूनागढ़ में 6,100 रुपये और राजकोट में 5,900 से 6,500 रुपये क्वालिटी अनुसार, गोंडल गुजरात में 5,750 से 6,750 के भाव मूंगफली के बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मूंगफली खल के बारे में। मूंगफली खल प्रति टन अदोनी 36,500, चलकेरे 36,500, बीकानेर में 30,000 से 36,000 और राजकोट में 27,000 के भाव प्रति टन मूंगफली खल यानी ग्राउंड नट केक की बात कर रहे हैं। जामनगर में 26,500 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये था मूंगफली खल, मूंगफली तेल और मूंगफली सीड के बारे में पूरी जानकारी, बाजार के ताज़ा भाव। अब हम चर्चा करेंगे आपसे व्यापारी क्या कह रहे हैं गुजरात के और यूपी के। पूरा शो ध्यान से समझिए, देखिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ओर आपको ले चलते हैं। व्यापारियों से बात करने पर पता चल रहा है कि व्यापारियों का कहना है कि मूंगफली की खेती में 10 से 20% की बढ़ोतरी है, लेकिन कीमतें सीमित दायरे रहने की उम्मीद है क्योंकि बाजार में मूंगफली की खपत कम बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी क्षेत्र में पुरानी मूंगफली की दैनिक आय 10 से 15,000 बोरी बताई जा रही है और बाजार में मूंगफली कम लेने के कारण कीमतें औसत स्तर पर ही घूम रही है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि झांसी क्षेत्र में स्टॉकिस्ट और किसानों के पास अभी भी 10 से 15% पुराना स्टॉक मूंगफली का है। अब ये मूंगफली धीरे धीरे बाजार में आएगी। जुलाई का महीना आमतौर पर मूंगफली की आय के लिए ऑफ सीजन का समय माना जाता है, लेकिन कई सालों से पहली बार इस समय बड़ी मात्रा में मूंगफली की आवक भी देखी जा रही है, जिससे ये पता चल रहा है किसान अब ज़्यादा देर तक मूंगफली की फसल को रोकने के मूड में शायद नहीं है। मानसून सीजन में मूंगफली में लगने वाली नई मूंगफली 2 महीने के बाद बाजार में आएगी, इसलिए स्टॉकिस्ट धीरे धीरे पुराना स्टॉक बाजार से क्लियर करना चाहते हैं, जो अभी भी लगभग 15 से 20% किसानों के पास मौजूदा समय में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जहां तक झांसी क्षेत्र की बात करें तो व्यापारियों का कहना है कि मानसून मूंगफली की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 20% की वृद्धि की बात की जा रही है। गौरतलब है कि इन सब स्थिति को देख के मूंगफली एक सीमित दायरे में घूमने की उम्मीद लगाई जा रही है।
गर्मी की मूंगफली उत्तर प्रदेश की 25-30% जो क्वालिटी जो है वो 3800 से 4000 रुपये बताई जाती है, जिसे प्राई मिलों द्वारा खरीदा जा रहा है। गर्मियों की 40-50% मूंगफली बाजार में पहुंच चुकी है। जो माल अभी है वह नॉर्मल रूटीन की आवक बताई जा रही है। गौरतलब है कि ये थी यूपी से खबर। अब हम आपको गुजरात के व्यापारी क्या कहते हैं उनके ऊपर भी हम कर लेते हैं चर्चा। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में गर्मियों की मूंगफली की फसल लगभग समाप्त हो चुकी है और ज़्यादातर माल बाजार में पहुंच चुका है। अच्छी क्वालिटी वाली मूंगफली की कीमत 1200 से 1250 रुपये प्रति 20 किलोग्राम यदि मानी जा रही है और 24 नंबर क्वालिटी के भाव 1300 बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि टीजे में बनासकांठे दाने की कीमत 100 से 101 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में चल रही है और कोई बड़ा उतार चढ़ाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मांग बहुत सीमित बताई जा रही है। गर्मी की 20-25% स्टॉक क्लियर हो चुका है। जो आमतौर पर स्टॉक रहता है उससे ज़्यादा स्टॉक अभी बाजार में नहीं है। मानसून में बुआई अच्छी है और बनासकांठा क्षेत्र सहित पूरे गुजरात में मूंगफली के बिजाई क्षेत्र में 15-20% वृद्धि होने की समाचार है। शुरुआती दौर में अच्छी कीमतें और बारिश में सुधार के कारण शानदार बिजाई भी होने के समाचार हैं। सौराष्ट्र में मूंगफली की फसल में भारी बरसात हुई है, इसलिए खराब होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। अब यदि इस क्षेत्र में बारिश नहीं रुकी तो मूंगफली के और अधिक खराब हो सकने की संभावना है। दोस्तों, हमारा अनुमान ये कह रहा है कि अगस्त महीने में तेज बरसात होने की संभावना है और इसका असर मूंगफली पर होने की संभावना प्रबल बन गई है। ये तो अब समय बताएगा कि अगस्त में क्या होगा, लेकिन याद रखिए हमने आपको कोशिश किया है कि हर सूचना आपको सबसे पहले दी जाए। अगस्त का महीना मूंगफली के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, उत्तरी गुजरात में मूंगफली की बुआई 30 दिन हो चुके हैं, अभी संतोषजनक बारिश नहीं हुई है और उत्तरी गुजरात में बारिश नहीं होने से मूंगफली की फसल को नुकसान होने की संभावना है। उम्मीद है अगले 15-20 दिनों में मूंगफली की खेती की तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी और इस समय सौराष्ट्र में खेतों में पानी भरा हुआ है और धूप की कमी है, जबकि गुजरात को बारिश की ज़रूरत है और 15 दिनों के बाद उम्मीद है कि इस साल की फसल की स्थिति और फसल क्या पूरी जानकारी की स्थिति कोली क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, ये था अजय एस्ट्रो मनी गुरु, देश का पहला चैनल जो तिलन दलहन मसाला कपास अनाज सोना चांदी कच्चा तेल मेटल फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल इन सभी पर लगातार अपडेट आपको देता है। कमोडिटी का एक संपूर्ण चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।